सीधे पटना एम्स। देखिए मैं जस्ट बहुत संक्षिप्त में लक्षण के बारे में भी, बिकॉज ये ऐसा प्लेटफॉर्म है न्यूज नेशन, शायद मैं भी काफी शिद्दत से इस चैनल को देखता हूँ जब भी टाइम मिलता है। सो मैं छोटे से मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए कैंसर के लिए तीन सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं। कैंसर किसी को भी हो सकता है, कैंसर किसी उम्र में हो सकता है, और कैंसर शरीर के किसी भाग में हो सकता है। जैसे मुंह में अगर किसी को छाला हुआ है, सामान्यतः लोग बिकसुल टैबलेट खाते हैं, बिकसुल से वो बार बार ठीक नहीं हो रहा है, 15 दिन 1 महीना खा लिए ठीक नहीं हो रहा है, या किसी ने अपना दांत निकलवाया है घाव नहीं भर रहा है, तो वो मुंह का कैंसर हो सकता है। स्तन में किसी को भी गिरती है वो स्तन का कैंसर हो सकता है। अगर किसी का भी वजन घट रहा है, लैट्रिन के रास्ते उसको खून आ रहा है, उसको बार बार उल्टी हो रहा है, तो वो अंगड़ियों का कैंसर हो सकता है। पेशाब के रास्ते अगर किसी को भी खून आ रहा है तो वो किडनी का या पेशाब की थैली का कैंसर हो सकता है। उसी तरीके से कोई भी महिला जो 45 साल से ऊपर की महिला है जिनमें मासिक आना बंद हो गया है, उसमें भी अगर उनको बच्चेदानी के रास्ते खून आ रहा है तो बच्चेदानी या बच्चेदानी के रास्ते पर वो कैंसर हो सकता है। उसी तरीके से शरीर के किसी भी भाग में अगर कोई गिरती है तो वो कैंसर का प्रारूप हो सकता है। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि हो सकता है मतलब नहीं भी हो सकता है, तो कैसे पता चलेगा? जब आप किसी भी कैंसर के डॉक्टर के पास जाएं, जाकर उसका जांच कराएं, और मैं बार बार कहता हूँ ऐसे कैंसर डॉक्टर, भगवान न करे किसी को कैंसर हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कैंसर से एक इंसान नहीं पूरा परिवार मर जाता है। तो कम से कम उस एक विजन के साथ जरूर रहना चाहिए कि अगर नहीं है तो आप आए एम्स पटना जैसे संस्थानों में। मैं बार बार उन लोगों तक पहुंचना चाहता हूं जिन लोगों को ये बात सुनना चाहिए कि देखिए बहुत लोग मेरे पास आते हैं, जबकि जब आप ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा खेत बाड़ी में बिक गया, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अभी इतना अच्छा एक जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो स्कीम को निकाला है आयुष्मान भारत एक ऐसी योजना है जिससे मैं एज ए अथॉरिटी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आप 1 रुपया तो छोड़ दीजिए, 50 पैसा भी आपका नहीं लगेगा जिस दिन से आप अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे। कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो दो और बड़ी सुविधाएं हैं, CM फंड जिसको हम मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष कहते हैं, और PM फंड यानी प्रधानमंत्री चिकित्सा राहत कोष। इसके लिए सिर्फ 2 कागज की जरूरत पड़ती है, आवासीय और आय प्रमाण पत्र। ये 2 कागज लेके आए सारा काम उसके बाद एम्स का रहता है। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ एम्स अपने आप में एक ब्रांड है, वो ब्रांड इसलिए है क्योंकि एम्स में वास्तविकता में काम होता है। बिल्कुल, और आप जैसे चिकित्सक वहाँ काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे।